पांच राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनने पर पुरानी पेंशन बहाल कर दी गई है। वैसे ही मध्य प्रदेश के 7 लाख से अधिक एमपीएस कर्मचारियों को भी कांग्रेस की सरकार पर भरोसा जता रहे हैं। खरगोन जिले के एनपीएस कर्मचारी पूर्व कृषि मंत्री एवं विधायक सचिन यादव से मिलकर कांग्रेस से घोषणा पत्र में प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के साथ पुरानी पेंशन बहाली की मांग को प्रमुखता से वचन पत्र में प्रथम कैबिनेट में बहाली को वचन पत्र में शामिल करने के लिए ज्ञापन दिया। विधायक सचिन यादव ने कहा, हमारी सरकार ने सभी कांग्रेस शासित राज्यों में जो वादा किया वो निभाया और मध्य प्रदेश में भी हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर पुरानी पेंशन बहाल होगी और कर्मचारियों के साथ मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ पेंशन उत्सव मनाया जाएगा। कर्मचारियों की सभी मांगे मानी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। एक लंबे समय से मध्य प्रदेश में लगभग 18.5 साल से यहाँ पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार हमारे जो कर्मचारी साथी हैं, विशेष रूप से हमारे जो शिक्षक साथी हैं, उनके साथ नित नए षड्यंत्र रचने का काम लगातार कर रही है। ये हमारे शिक्षक साथी और हमारे कर्मचारी साथी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर के लगातार सरकार को समय समय पर अवगत कराने का काम उन्होंने किया, लेकिन आज दिनांक तक लगभग 18 साल, 18.5 साल का लंबा समय होने के बावजूद भी आज दिनांक तक हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनकी मांगों पर सुनवाई करना तो दूर की बात है, उनके साथ लगातार तुगलकशाही फरमान के द्वारा जो उनके हक हैं, उनकी जो वाजिब मांगे हैं, वाजिब मांगों को भी ठुकराने का काम लगातार सरकार ने किया। अभी पिछले दिनों हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी ने लगातार हमारे जो कर्मचारी साथी जो संगठन के एनएमओपीएस के जो हमारे जो साथी लोग हैं वो लगातार हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी से संपर्क में हैं और आदरणीय कमलनाथ जी ने सार्वजनिक रूप से इस बात को स्वीकार किया है कि हमारे जो कर्मचारी साथी हैं उनकी मांग बिल्कुल जायज़ है और हमारा जो वचन पत्र है उस वचन पत्र में ओपीएस जो स्कीम है हमारी वो ओपीएस एक प्रमुख हमारे वचनों में से एक वचन है और कांग्रेस पार्टी की जहाँ जहाँ सरकारें हैं, चाहे हिमाचल की सरकार हो वहाँ पर हमने सरकार बनने के बाद ओपीएस लागू करने का काम किया, राजस्थान में हमारी सरकार बनी वहाँ पर हमने ओपीएस लागू करने का काम किया और उसी प्रकार से हम हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।